हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और फ्रेंड्स, आज देखिए मैं जा रही हूँ दीदी के यहाँ, तो मेरी ये यहाँ पे हो रही है पैकिंग। मतलब तो मेरी पैकिंग लास्ट डे तक चलती ही रहती है, सभी लोग जानते हैं इस बात को। तो देखिए यहाँ पे फ्रेंड्स, मैं रेडी हो रही थी और बच्चे रेडी हो गए थे, मैं हो रही थी रेडी। तो चलिए रेडी हो जाते हैं। और अभी टाइम भी लगभग हो गया है, 1 बज गया था, 1-1.5 बजे का टाइम था शायद। और देखिए मैं हो रही हूँ रेडी, तो रेडी हो लेते हैं, फिर मिलते हैं आपसे। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग हो गए हैं रेडी और जा रहे हैं दीदी के घर। तो बेटे को लोगों को लेके नहीं जा रहे थे, उसकी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी, तो उसको आज घर ही पर छोड़ के हम जा रहे थे। पड़ोस में दीदी को बोल दिया था देखने के लिए, तो वो उसको उन्होंने कहा था कि हम देख लेंगे। और हम तीनों लोग जा रहे थे दीदी के घर। तो देखिए हम लोग निकल लिए हैं घर से, और चलिए चलते हैं। देखिए फ्रेंड्स, हम लोग पहुंच गए हैं दीदी के यहाँ, तो चलिए चलते हैं अंदर। और यहाँ पे देखिए हम लोग निकल लिए हैं गाड़ी से, और सामान वगैरह निकाल रहा है बेटा। तो बहुत ज़्यादा मैंने सूट नहीं किया था, चलिए चलते हैं अंदर। देखिए हम लोग अंदर आ गए थे, और यहाँ पे भाभी और बच्चे कर रहे थे आपस में बात। और यहाँ पे दीदी बैठी हैं कुर्सी पर, उनकी सास हैं, बड़ी वाली भाभी हैं, और ये दीदी की कोई रिलेटिव थी वो हैं। और जब हम लोग पहुँचे थे तो वहाँ पे चल रहा था मेहंदी के फंक्शन की तैयारी। तो वही देखिए यहाँ पे मेहंदी के फंक्शन के लिए डेकोरेशन कर रही थी लड़कियाँ। ये दीदी की भांजियाँ हैं दोनों, तो ये सब डेकोरेशन कर रही थी। देखिए फ्रेंड्स, मेहंदी की थाली सज गई है, और मेहंदी की मेहंदी की थाली सजाई है मेरी बड़ी भाभी ने। सबसे बड़ी भाभी हैं, उन्होंने मेहंदी की थाली सजाई है। तो आप लोग बताना कि कैसी सजी है। बहुत अच्छी थाली सजाई थी भाभी ने। तो चलिए अब मेहंदी इंजॉय करते हैं। मैं भी करती हूँ, और आप लोग भी मेहंदी को इंजॉय करिएगा। फुल मस्ती धमाल है, बहुत इंजॉय होने वाला है। चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर भाभी और दीदी की देवरानी, बहू, ये देखिए नातिन है मेरी दीदी की, अभी 1 साल की नहीं हुई, तो ये भी खूब मस्ती कर रही थी। और ये है बहू, दीदी की बड़ी वाली, तो बहू है ये। और ये है दीदी की देवरानी, और देवरानी की बेटी है, और उधर है बहू की बहन। ये है छोटा वाला बेटा जिसकी शादी है वो, तो इसी की आज मेहंदी है।
यहाँ पे चल रहा है मस्ती धमाल। ये देखो कैसे नाच रही है। और ये देखिए फ्रेंड्स, ये आ गई हैं मेरी दीदी। और ये देखिए इनकी कमर में चोट लग गई है फ्रेंड्स। ये भी शादी के 2-4 दिन पहले गिर गई थी, स्लिप होके, तो इनको बहुत ज़्यादा कमर में चोट आ गई है। लेकिन फिर भी बेटे की शादी है तो मन नहीं माना, तो थोड़ा सा डांस करने लगी थी। फिर हम लोगों ने इनको रोक दिया था और पकड़ के बिठा दिया था, क्योंकि इनको बहुत ज़्यादा पेन हो रहा है कमर में। और वही है कि जब अपने घर में प्रोग्राम होता है तो बैठ के भी चैन नहीं पड़ता, चाहे कितना भी काम करने वाले लगे हों, लेकिन फिर भी खुद को चैन नहीं पड़ता, तो इधर उधर बस चलना रहता ही है। तो उसी चक्कर में ये भी चलती फिरती रहती हैं, तो उस वजह से और ज़्यादा दिक्कत हो जाती है इनको। और अब शादी हो जाए उसके बाद इनको फिर दिखाया जाएगा। वैसे भी दिखा चुके हैं तो एक्सरे तो अभी ठीक नॉर्मल आया है, लेकिन चोट काफ़ी है, तो बहुत ज़्यादा पेन होता है बैठने में उठने में सब में। तो अब शादी के बाद फिर से दिखाया जाएगा डॉक्टर को। और ये देखिए इनकी नातिन है और ये बड़ी वाली भाभी हैं, उनकी नातिन है। तो बस यहाँ पे मस्ती हो रही है, इधर साथ में मेहंदी का कार्यक्रम भी चल रहा है, मेहंदी भी लगाई जा रही है और डांस भी हो रहा है। हम सब फुल एंजॉय कर रहे हैं फ्रेंड्स। देखिए मेहंदी का जो बोल लेके आई थी बहू, वो उसने लगाने ही भूल गई, वो रखा ही रहा, बाद में जब सारा प्रोग्राम हो गया उसके बाद उसको याद आया लगाने का। तो मैंने याद भी दिलाया, फिर वो भूल गई, बाद में उसको याद नहीं रहा, तो वो लग ही नहीं पाया। तो यहाँ पे देखिए अब सब लोग इसको लगा रहे थे मेहंदी, और यहाँ पे मैं और दीदी की छोटी वाली देवरानी कर रहे थे डांस, दोनों लोग। ये सपना दी है और मैं हूँ, और तो सपना दी की बेटी खड़ी है मन्नत। तो एंजॉय करिए आप लोग भी। नेक्स्ट डे का टाइम सुबह का बजा था 9 और हम लोग फ्री थे, तो इस वजह से यहाँ पे फिर हम लोगों ने ढोलक बजाई। बहू ले आई थी ढोलक, तो बस वही हम लोग बजा रहे थे, गा रहे थे, मस्ती कर रहे थे।
फ्रेंड्स देखिए गाना बजाना हो गया था और यहाँ पे हो रहा था भात पहनाने का काम। तो यहाँ पे भैया सबसे पहले मंडप को भात पहनाया जाता है, तो यहाँ पे वही भैया मंडप को भात पहना रहे थे, तो उसके बाद हम लोगों को पहनाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो सबसे बड़े वाले भैया हैं वो पहना रहे हैं दीदी और जीजा जी को भात। तो फ्रेंड्स जो भात की रस्म होती है वो शादी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण रस्म होती है, जिसको बहन का जो भाई होता है वो निभाता है। तो सभी जानते हैं कि भात की रस्म का कितना बड़ा महत्व है और इस रस्म को भैया निभाते हैं। तो यहाँ पे भी मेरे भाई लोग हैं वो इस रस्म को निभा रहे हैं और दीदी को भात पहना रहे हैं और जिया जी को। तो चलिए हम लोग भात पहन लेते हैं, फिर मिलते हैं आप लोग से। और आप लोग प्लीज़ वीडियो में फुल देखिएगा वीडियो को, तभी आप लोगों को मज़ा आएगा और सारी रस्में आपको मेरी देखने को मिलेंगी कि मेरे यहाँ किस तरीके से रस्में की जाती हैं। तो सारे कुछ मैंने थोड़ा थोड़ा जो शूट किया है वो मैं आप लोगों को दिखाऊंगी कि मेरे यहाँ किस तरीके से शादी होती है। तो प्लीज़ वीडियो में बने रहिएगा, आप लोगों को ज़रूर मज़ा आएगा वीडियो देखकर। तो प्लीज़ कंटिन्यू देखिएगा पूरे वीडियो को। अगर ज़रा सा भी अच्छा लगे तो एक लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और प्लीज़ जो न्यू लोग जुड़े हैं तो वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर दीदी की ननद को भैया भात पहना रहे हैं। तो जो भी परिवार के होते हैं उन सबको भात पहनाया जाता है, तो एक एक करके सबको पहनाया जा रहा था। ये दीदी के दीदी से छोटी वाली देवरानी और जिया जी हैं, उनको पहना रहे हैं भैया भात, और मतलब सीरियल वाइज सबको पहनाएंगे। तो चलिए पहन लेते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स अब यहाँ पे सेकंड नंबर वाले भैया जो हैं वो दीदी और जिया जी को भात पहनाने जा रहे हैं। तो मेरे यहाँ सभी लोग भैया लोग भात लेके आते हैं, मेरे यहाँ सारे भाई लोग लेके आते हैं। तो बस ये बड़े सेकंड नंबर के भैया हैं वो पहनाने जा रहे हैं। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर भैया और भाभी मुझे और इनको भात पहना रहे हैं। तो फ्रेंड्स अब मैं इस ब्लॉग का यहीं पे एंड करूँगी, परंतु अभी इसके बहुत सारे पार्ट बाकी है, तो आप लोग कंटिन्यू रहिएगा तो आपको शादी की बाकी की तैयारियाँ बाकी के फंक्शन जो हैं रह गए हैं वो सब आपको देखने को मिलेंगे। और इस पार्ट को मैं इस वीडियो का मैं यहीं एंड करूँगी। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, शुभ रात्रि। All the pain you caused me, I know that we weren't perfect, I feel